हाय गाइस, आज मैं आपको मेरी ओला S1 प्रो जेन 2 का एक रिव्यू देने वाला हूँ। एक साल के बाद इसे चलाते हुए, एक साल से ज़्यादा हो चुका है, 1 साल 10 दिन, और ये गाड़ी करीबन 20,700 किलोमीटर चल चुकी है। गाड़ी देखने में अभी अच्छी नहीं है, बिकॉज़ हम इसे साफ़ सफाई उतनी अच्छे से नहीं कर पा रहे, बट गाड़ी की क्या रिव्यू है, रेटिंग है जो मैं आपको दे सकता हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अच्छे से। तो अभी गाड़ी चार्ज हो रही है, बट गाड़ी को अगर हम ऑन करना चाहें तो गाड़ी ऑन नहीं होगी, इसे हमें रिबूट करना पड़ेगा। ये इशू बहुत बार हमें फेस करना पड़ता है। ओला के लोगों को कई बार बता चुका है, हाइपर सर्विस के बारे में उन्होंने कहा हुआ है, बट हाइपर सर्विस से भी उन्होंने इसका कोई समाधान नहीं दिया। इन शॉर्ट, आपने अपनी गाड़ी को चार्ज लगाया, आपने सोचा आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी, बट आपकी गाड़ी चार्ज भी नहीं हो रही, तो अब मुझे इसे रिबूट करना पड़ेगा। और मैं स्विच बंद करता हूँ और इसके दोनों, एक सेकंड रुकिए, मैं इसको रिबूट कर रहा हूँ, तो मेरे दोनों हाथ अभी इसको रिबूट करने में लगे हैं, तो आप देख नहीं पाएंगे शायद तक। ओके, अभी रिबूट हो रही है। तो ये इशू होता है, मतलब ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन हमें ये फेस करना पड़ता है, गाड़ी चार्ज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ऑटोमेटिकली गाड़ी चार्ज होना बंद हो जाती है। अब 70% 80% के बाद ये हर बार होता है। ये इसका हाल है, इस गाड़ी का। और अगर कहूँ तो अभी रिसेंटली ही इस गाड़ी का जो बेल्ट है, ये बेल्ट टूटा है हमारा, अभी रिसेंटली टूटा है, बट इसने 20,600 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमारा साथ दिया था। टूटा हुआ बेल्ट भी कहीं पर पड़ा है, बट ये अभी रिसेंटली नया बेल्ट लगाया है। और इसके अंदर जो इश्यूज आए थे, एक बार इसका एक्सीडेंट हो गया था, तो इंश्योरेंस और उस पूरे टाइम पीरियड में गाड़ी को 2 हफ्ते सर्विस सेंटर पे पड़ी रही थी, तो वो एक सेटबैक था हमारे लिए 2 हफ्तों तक। और कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं थी इसमें, यहाँ पे स्क्रैच लगा था, ये टूट गया था, जो कि अब वापस से टूट चुका है, आप देख सकते हैं, इसे ऑलमोस्ट 1 महीना भी नहीं हुआ है, बट ये वाला पार्ट, बॉडी पार्ट अभी फिर से टूट चुका है। आई डोंट नो हाउ इसके ऊपर स्क्रैच कैसे लगा, बट ये फिर से टूट चुका है। सर्विस सेंटर पे गाड़ी वालों ने इसके इधर स्क्रू लगाया नहीं उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला कवर होता है वो भी नहीं लगाया, ठीक है। अब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, मैं पासवर्ड तो नहीं दिखाऊँगा, बट मैं इसे वापस चार्ज पे लगाता हूँ, और आप देख सकते हो 20,950 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 21,000, सॉरी, तो ऑलमोस्ट 21,000 किलोमीटर ये चल चुकी है, आप देख पा रहे हैं। हाँ, दिखता है फिर से, ऑल सर्विस अबाउट, यह परचेज हमने 6 सितंबर 2023 को की थी, बट इसकी डिलीवरी 5 नवंबर 2023 को हुई थी। ओके, ये आपकी गाड़ी के स्टैट्स देख सकते हैं। उसके अलावा इस गाड़ी की ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, तो हमें इसे रिबूट ऑलमोस्ट हर, जैसे मैंने बताया, हर दूसरे दिन इसे रिबूट तो करना ही पड़ता है, गाड़ी बैठी बैठी चार्ज नहीं हो पा रही। बैटरी बैकअप को लेके इसमें हमें, अगर नॉर्मल अगर हम चलाएँ एज ए एक्टिवा के जैसे, तो ये 120-130 चल जाती है बिना कोई सोचे समझे। 4 किलोवाट का बैटरी पैक है इसका, तो बिना किसी इशू के 120-130 किलोमीटर चल जाती है। इको मोड में अगर हम इसे चलाएं तो 140-150 इजीली चल जाती है, अगर सिर्फ इको मोड में इसे चला रहे हैं, और अगर बहुत अच्छे से चला रहे हैं आप, तो आपको ये 170 का भी इको में रेंज दे देती है सिंगल पर्सन के लिए। बैटरी बैकअप अभी भी इसका काफ़ी अच्छा है, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है बैटरी बैकअप से रिगार्डिंग। इसकी परफॉर्मेंस से रिगार्डिंग भी मुझे कोई इशू नहीं है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी दौड़ती है, भागती है। मैं इसे 50% ऑफ टाइम इको मोड में चलाता हूँ और 50% ऑफ टाइम नॉर्मल मोड में चलाता हूँ, और कभी कभार 0.5% स्पोर्ट्स मोड और हाइपर मोड में चलाता हूँ। स्पोर्ट्स मोड और हाइपर मोड में इसे ना के बराबर चलाता हूँ, तभी मेरा बेल्ट ऑलमोस्ट 20,500 किलोमीटर चल पाया था, आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये हमने खुद लगाया था, ठीक है, कंपनी का कुछ नहीं आया था,
ये जो है ये उस एक्सीडेंट के अंदर टूट गया था, बट फिर भी कंपनी वालों ने इसे कवर नहीं किया। ये पहले टूट चुका था बट इसका भी कवर हमें नहीं मिला। बट ये वाला इंश्योरेंस क्लेम में हमें हमारे डिजिट की इंश्योरेंस थी, तो बहुत मुश्किल से हमारा इंश्योरेंस हमें क्लेम मिला डिजिट का, तो वो एक बात है। बाकी गाड़ी अगर आप ये सोच रहे हैं इसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, शुरुआत में हमें इसे इसकी डिक्की को खोलना पड़ता था यहाँ से। कई बार ये इसको रिबूट करने से भी काम नहीं होता था, कुछ भी गाड़ी एकदम पूरी फ्रीज हो जाती थी। तो वैसे इश्यूज़ भी हमें आए हैं जहाँ पे हम गाड़ी को इस डिक्की को यहाँ से हम खोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नट है, इस नट को खोल के डिक्की को खोल के फ्यूज़ निकाल के, तो वो चीज़ें अभी नहीं हो रही, बट 3-4 महीने पहले तक ये होता था इशू। अब इसमें वो भी इशू नहीं, रीबूट का इशू अभी भी है। तो आपको गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मैं कहूँगा कि ये गाड़ी अनरिलायबल है। हाँ, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, आपका बहुत सारा पेट्रोल का पैसा बचाती है, बट अनरिलायबल है। तो अगर आप टेक्निकल चीज़ें थोड़ी नहीं जानते, ठीक है, और आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेट्रोल का व्हीकल नहीं है, आप सोच रहे हैं कि पेट्रोल गया बाहर में से आप सिर्फ इसी को यूज़ करेंगे, मत लीजिए, बहुत बड़ा आप खुद को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि गाड़ी सर्विस सेंटर पे 2-2 हफ्ते पड़ी रहती है, आज भी डेट है 15th of November 2024, आज भी गाड़ी सर्विस सेंटर में, बीकानेर राजस्थान की बात कर रहा हूँ, 2-2 हफ्ते अगर पड़ी रहती है और आपके पास कोई दूसरा अल्टरनेट व्हीकल नहीं है पेट्रोल का, तो आपका हालत ख़राब हो जाएगी। दूसरा, मैंने इस गाड़ी को 1.63 लाख में ख़रीदा था, अभी ये सेम गाड़ी कभी कभी सेल के अंदर 1.25 लाख में भी मिल रही है, 1.3 लाख के अंदर मिल रही है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो गाड़ी का 40,000 रुपीज़ प्राइस कम हो चुका है। तो मैंने जो पैसा पेट्रोल में बचाया था, और मैंने उतना इस गाड़ी का पैसा वैसे ही कम हो चुका है। ठीक है, तो मुझे इस गाड़ी को फर्स्ट कस्टमर होने का कोई बेनिफिट नहीं मिला, ना मुझे 8 ईयर्स की वो वारंटी मिली है, ना मुझे अच्छी सर्विस मिली है, और गाड़ी का प्राइस आप जानते हैं अभी बहुत कम हो चुका है। ठीक है, नए कस्टमर हैं और अभी कंपनी ने प्राइस कम किया है, बट जो ओल्ड कस्टमर है जिन्होंने कंपनी पे पहले ट्रस्ट दिखाया था, उनको उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है, इनफैक्ट प्रॉब्लम्स भी मिलती आई है। दूसरा, मैं कहूँगा कि अगर आप इस गाड़ी को लेने का सोच रहे हैं कि आप अपना पेट्रोल का पैसा बचाएंगे, तो उसके लिए आपको ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा पेट्रोल का पैसा या वो वाली चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती, ये 4 यूनिट यूज़ करती है एक बार खुद को चार्ज करने में। बट अगर आप देखें इसका, आपको केयर प्लस प्लान जब लेते हैं, जब उसका 4,200 रुपीज़ प्राइस देते हैं, उसके बाद भी आपको कोई एक दिन में सर्विस नहीं मिलती, और साल का 4,200 हो गया आपका, ऑलमोस्ट कितना हो गया, मोर देन ऑलमोस्ट 350 के आसपास कुछ बैठ रहा है। ठीक है, तो उतना रुपए आप इसका पर मंथ, जस्ट टू आप मेक श्योर करते हैं गाड़ी का बेल्ट अगर टूट जाए, ब्रेक घसीस जाए, कहीं पे गाड़ी ख़राब हो जाए, तो वो लोग लेके जाएंगे। तो भाई गाड़ी ख़राब क्यों हो रही है, गाड़ी का अगर आप बेल्ट चेंज करवाते हैं, बेल्ट चेंज आजकल लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, बेल्ट टूट रहा है, मेरी गाड़ी का नहीं टूट रहा, अभी टूटा है इतना सारा चलाने के बाद, बट बहुत सारे लोगों का बहुत पहले टूट जाता है। तो बेल्ट अगर आपने गाड़ी खरीदे हुए 1 हफ्ते बाद भी टूटता है, फॉर वॉट एवर रीज़न, और आपके पास 4,200 रुपीज़ का केयर प्लस प्लान नहीं है, तो कंपनी आपको इसे फ्री में नहीं बदलेगी। कंपनी इस बेल्ट को बदलने के आपसे 3,200 रुपीज़ लेती है, इस बेल्ट को बदलने के, इसके ब्रेक पैड्स को बदलने के भी वो कुछ रुपए लेती हैं। फॉर्चुनेटली मेरा ब्रेक पैड भी अभी तक अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से चलाता हूँ गाड़ी, जैसे मैंने बताया ज़्यादातर मेरा काम हाईवे पे होता है, और मैं इसकी रीजनरेट ब्रेकिंग यूज़ करता हूँ, सो डैट ब्रेक्स का मिनिमम यूज़ करना पड़े, और बहुत अच्छे से मतलब ध्यान से चलाते हैं हम गाड़ी, तो वो एक रीज़न है। और मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये होगा कि आप इस गाड़ी को अवॉइड करें अभी भी, क्योंकि ये जो इश्यूज़ हैं, आपकी गाड़ी चार्ज नहीं हो रही, 1 साल बाद भी इशू है, आपकी गाड़ी चार्ज होना बंद हो जाती है, आपको रिबूट करना पड़ता है,
आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर पे दो दो हफ्ते पड़ी रहती है, ठीक है। आप तो ये कोई अलग सेंस नहीं बनाता, आपका पेट्रोल का पैसा ज़रूर बचता है। अब देखिए, आपने जैसे एक गाड़ी ली जिसका आपने लेट्स से 1.3 लाख रुपीज़ स्पेंड किए इस गाड़ी के ऊपर, या 1.4 लाख, तो 1.4 लाख का 8% जो इंटरेस्ट होता है वो भी अगर आप कैलकुलेट करोगे 12,000 होता है। ओके, सो आप एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो जस्ट टू सेव मोर पेट्रोल मनी, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। अगर आपको एक गाड़ी लेनी ही है, जैसे ये गाड़ी हमें बहुत पुरानी है, ठीक है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, हमने ही गाड़ी लेनी थी तो अब हमने ये ली, और कभी कभार ये धोखा देती है तो हम इसे इसे चला लेते हैं, तब कोई सेंस बनता है। बट अगर आप चला के एक, आपके पास ये गाड़ी बाय द वे ऑलमोस्ट 15 ईयर्स पुरानी है, ठीक है, पर ये गाड़ी अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है, आपको लग रहा है कि आपको नई गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, बट आप चला के कोई ईवी लेते हो, कोई सेंस नहीं बनता ओला की ईवीज लेने का इस पॉइंट के टाइम के ऊपर, तो एटलीस्ट ये था मेरा रिव्यू। थैंक यू। और इसका बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी वीक है, वो तो है ही। ये था रिव्यू, थैंक यू, बाय।